हेलो बच्चों, आज नया चैप्टर पढ़ा जाए। सरल रेखीय गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मोशन। आइए इस सरल रेखीय गति के अंतर्गत गति के समीकरण पढ़ते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण को हम दो विधियों से बताएंगे, एक कैलकुलस मेथड से बताएंगे और एक ग्राफ मेथड से बताएंगे। तो चलिए पहले ग्राफ मेथड से बताते हैं। सबसे पहले हम टाइम वेलोसिटी कर्व खींचते हैं। पहला इक्वेशन, इसको हम कहते हैं टाइम वेलोसिटी रिलेशन, समय वेग संबंध। टाइम वेलोसिटी रिलेशन, इसके लिए एक कर्व खींच रहे हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष मूल बिंदु, ये ए बी सी डी, ये इस पर समय अक्ष और इस पर वेलोसिटी। इस पर समय जो मुख्य राशि होती है उसको हम एक्स अक्ष पर और आश्रित राशि को वाई अक्ष पर रखते हैं। आप जानते हैं समय प्रधान होता है, सबके लिए मुख्य होता है, इसलिए समय को हम एक्स अक्ष पर रखते हैं और यहाँ वेग आश्रित राशि जो है उसको वाई अक्ष पर रखते हैं। तो हमें ये ग्राफ एसी मिलता है। ठीक, यहाँ देखिए ओए प्रारंभिक वेग यू को, जब समय टी बराबर शून्य है तो देखिए ग्राफ ए से प्रारंभ हो रहा है, माने प्रारंभिक वेग यू है, और टी समय के पश्चात ये देखिए अंतिम वेग वी हो जा रहा है। टी समय के पश्चात अंतिम वेग वी हो जा रहा है। ओए बराबर है डीवी, क्योंकि ये बराबर और समांतर है, यह भी यू हो गया। आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक है वी, ये हो गया वी। ये देखिए ये समय अक्ष है OD बराबर AB बराबर ये है T, ये T हो गया। यह ढाल थीटा, यह है टाइम वेलोसिटी कर्व का जो ढाल होता है यह त्वरण हमको देता है। तो ये पहले समीकरण के लिए त्वरण एक्सेलरेशन A बराबर टाइम वेलोसिटी वक्र का ढाल बराबर मान लीजिए टाइम थीटा, ये हो गया। ठीक, और टाइम थीटा बराबर होता है लंब, लंब है BC और बटे आधार, आधार है ये भी। आप अपने चित्र से देखिए BC ये छोटी राशि हमको चाहिए, पूरे बड़े में से ये दूसरी छोटी को हटा दें, पूरा बड़ा है DC माइनस ये दूसरा छोटा है DB बटे
ए बी बराबर है ओ डी के। अब आप जरा चित्र से अपने देखें, ये डी सी बराबर है वी माइनस डी बी बराबर है यू, एक से ज़्यादा पद है ब्रैकेट, बटे ओ डी, ओ डी की जगह है टी। ठीक, तो यहाँ से आप देखें अथवा ए, टी का भाग है पक्षांतर करें गुणा हो गया, तो हो गया ए टी बराबर यहाँ वी माइनस यू। ठीक, अब देखिए वी माइनस यू, तो माइनस यू को पक्षांतर कर दिए, इधर आ गया प्लस यू, ए टी प्लस यू, यहाँ बच गया वी। तो इस ढंग से आपने निकाला वी इक्वल यू प्लस ए टी। ये गति का प्रथम समीकरण हो गया, समीकरण एक इसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार गति का द्वितीय समीकरण सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करें, गतिमान वस्तु द्वारा चली गई दूरी यस बराबर, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय का मतलब ये इनका गुणा, और गुणा किस में मिलता है, क्षेत्रफल में। तो किसका क्षेत्रफल निकालना है, यह टीवी वक्र और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, टीवी वक्र व टी अक्ष के बीच क्षेत्रफल, ये हो गए। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसमें ये देखिए पहला क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल को केवल छः से लिख दे रहे हैं, ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, धन ये क्षेत्रफल किसका, आयत ए बी डी यू, ठीक ये हो गया। आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, एक बटे दो गुणे, समकोण त्रिभुज है तो आधार गुणे लंब, ये हो गया आधार ए बी गुणे लंब बी सी, धन ये आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई है ओ ए और गुणे चौड़ाई है ए बी या ओ डी, ठीक ओ ए गुणे ओ डी। तो इस ढंग से अब आप देखिए एक बटे दो, ए बी बराबर है ओ डी, ए बी की जगह ओ डी लिखिए गुणे बी सी। जरा बी सी के बारे में देखिए, बी सी यहाँ से आपको मिलेगा, ये वी माइनस यू, बी सी का मान है वी माइनस यू, ये पूरा है वी, ये दूसरा वाला है यू, तो वी माइनस यू, तो वी माइनस यू ये है वी सी, यही बराबर देखिए यहाँ से वी माइनस यू बराबर टी का गुणा इधर हो गया, तो ये टी हो गया। ठीक, तो धन ओ ए गुणे ओ डी, अब सभी मान रख दिए जाए, एक बटे दो गुणे ओ डी, ओ डी की जगह टी गुणे बी सी की जगह ए टी, धन ओ ए की जगह यू गुणे ओ डी की जगह टी। अब आप देखिए इसको क्रम से लिख दें, यू टी को पहले लिख दें और प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर, ये हो गया। यस, आप याद कीजिए ये गति का दूसरा समीकरण है। ठीक, इसी प्रकार गति का तीसरा समीकरण देख लीजिए, तीसरा गति के तीसरे समीकरण के लिए देखिए, पुनः टी समय में गतिमान वस्तु द्वारा चली दूरी यस बराबर, ये देखिए ए सी डी ओ, ये देखिए ये समलंब चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें,
समलंब, चतुर्भुज, ए सी डी ओ, ए सी डी ओ का क्षेत्रफल देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पड़े हैं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, ये ओ ए और डी सी ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ओ ए धन डी सी, तो समांतर भुजाओं का योग गुणे लंब, लंब है ए बी या ओ डी, ठीक, लंब क्या है ए बी या ओ डी जो भी कह लीजिए, यही बराबर हो गया 1/2 गुणे ओ ए, ओ ए की जगह चित्र से देखिए यू, प्लस डी सी, डी सी की जगह चित्र से देखिए वी, गुणे ओ डी, ओ डी की जगह चित्र से देखिए टी, ठीक, ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, समांतर भुजाओं का योग गुणे लंबटा दो। फिर देखिए 1/2 गुणे यू धन वी गुणे टी, जरा आप टी यहाँ से देखें, टी टी को एक ही जगह लाइए और ए को इधर ले आइए, तो टी बराबर हो जाएगा वी माइनस यू अपान ए, टी की जगह वी माइनस यू अपान ए, ठीक। अब आइए इसको मिटाते हैं हम, इसकी जरूरत पड़ेगी इसको छोड़ दे रहे हैं और सबको मिटा दे रहे हैं। देखें यहां से यस बराबर 1/2 ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वर्गांतर सूत्र से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए, ये हो गया 2a का भाग है पक्षांतर की इधर गुणा हो गया 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल गया वी स्क्वायर इक्वल, देखिए माइनस यू स्क्वायर इधर आ गया तो ट्वाइस एस प्लस यू स्क्वायर हो गया इक्वल वी स्क्वायर, ठीक, यहाँ से आपको मिल गया वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, गति का तृतीय समीकरण आप याद किए होंगे, ये हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि टीवें समय में चली दूरी या विस्थापन, टीवें समय में चली दूरी चौथा, टीवें समय में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट इन टी एस सेकेंड, सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन टी एस सेकंड, इसके लिए देखिए यहाँ चित्र बना दें, यहाँ ज़्यादा साफ दिखाई देगा, यहीं चलिए ठीक है,
ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, मूल बिंदु है, इस पर समय रहता है, ये टी माइनस वन सेकंड पर है और ये टी सेकंड पर है। ये हमारा वक्र है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इनके हमने नाम रख दिए सब। ये देखिए वक्र का ढाल थीटा है, ये भी वक्र का ढाल थीटा है, ये संगत कोण हैं दोनों और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, आप पढ़े भी। तो आइए अब हमको निकालना है कि टीवे सेकंड में विस्थापन, मान लीजिए टीवे सेकंड में विस्थापन है एस टी, तो ये है क्या, देखिए तो ये है वी टी वक्र, ठीक, ये समय टी है और ये है चाल वी है। तो वी टी वक्र वन टी तथा टी माइनस वन सेकंड के मध्य क्षेत्रफल, ठीक, ये वाला जो क्षेत्रफल आप देख रहे हैं, ये सब ये वाला टी और टी माइनस वन के बीच, और ये जो समय अक्ष है वी टी वक्र है और ये समय अक्ष है, इनके बीच का क्षेत्रफल। फिर से समझ लें हमको कौन सा क्षेत्रफल चाहिए, ये जो आपका है यह वी टी वक्र है, समय वेग वक्र है, ठीक, और ये जो है टी और टी माइनस वन के बीच ये जो क्षेत्रफल है इसको हमको निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं, यह बराबर यहाँ एक क्षेत्रफल तो ये हो गया क्षेत्रफल त्रिभुज डी एफ सी, डी एफ सी धन, एक ये देखिए आयत है क्षेत्रफल डी एफ बी ई, डी आयत डी एफ बी ई धन, एक ये वाला क्षेत्रफल है ई बी जी एच क्षेत्रफल आयत ई बी जी एच, ठीक, ये क्षेत्रफल पूरा आ गया। अब आइए निकालते हैं, यही बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटे दो गुणे आधार है डी एफ गुणे ऊंचाई है एफ सी धन आयत का क्षेत्रफल, ये हो गया लंबाई डी एफ गुणे चौड़ाई है ई डी धन, ये दूसरे आयत का क्षेत्रफल ई बी गुणे चौड़ाई है एच ई। अब अपने चित्र के अनुसार मान देखिए एक बटे दो गुणे डी एफ, डी एफ समांतर ई बी समांतर जी एच, ये हो गया जी एच गुणे एफ सी ना, ये एफ सी धन। फिर देखिए डी एफ, डी एफ की जगह वही जी एच गुड़े ई डी, ई डी कहाँ है ये धन, ये ई बी, ई बी बराबर वही जी एच गुड़े एच ई, एच ई ये है एच ई बराबर है ओए, देखिए एच ई समांतर ओए बराबर है समांतर है, तो ये आ गया। अब जरा ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ये समरूप त्रिभुज
ए डी ई या केवल त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी एफ सी या डी सी एफ। टैन थीटा, टैन थीटा हो गया लंब ई डी और बटे आधार ए ई, यही बराबर इसमें लंब एफ सी और बटे आधार डी एफ। यहाँ से आप ई डी निकाल सकते हैं, ये देखिए एफ सी का मान ई डी का मान है, तो यहाँ से ई डी हम निकालेंगे ई डी। और ध्यान दीजिए ये वक्र का ढाल ये त्वरण देता है, यही क्या देगा त्वरण ए, ठीक। यह टाइम वेलोसिटी कर्व में वक्र का ढाल जो होता है वह त्वरण देता है, तो त्वरण ए बराबर टेन थीटा बराबर ये हो गया, तो यहाँ सी डी बराबर हो गया ए त्वरण अगुणे ए। ए का मान जरा देखिए क्या होगा, ए बराबर है ओ एच, यहाँ हो गया ए गुणे ओ एच, ये हो गया त्वरण ए अगुणे ओ एच की जगह टी माइनस वन। इसी प्रकार वह यहाँ से देखिए एफ सी निकाली, एफ सी बराबर त्वरण ए गुणे डी एफ, ए गुणे डी एफ कहाँ है, ये है डी एफ बराबर है ये जी एच, ए गुणे जी एच क्या है टी माइनस वन, ये पूरा है टी, ये है टी माइनस वन, पूरे में से इसको घटा दिए तो ये जो बचा हुआ है आ गया, क्लियर। अब यहाँ से इसको हल कीजिए, देखिए यही बराबर आएगा ए गुणे टी माइनस टी प्लस वन, टी टी से कट गया तो आ गया ए। ये सभी मान हम यहाँ रखेंगे तो हमको अब एस टी मिलेगा, देखिए टी में समय में विस्थापन एस टी बराबर एक बटे दो गुणे ये जी एच, जी एच कहाँ है ये जी एच टी माइनस वन, टी माइनस टी माइनस वन ये हो गया ए गुणे जी एच गुणे एफ सी, एफ सी कहाँ है ये है एफ सी, एफ सी का मान ये निकाले हैं ए धन जी एच, जी एच कहाँ है ये जी एच टी इंटू टी माइनस वन, ऐसे टी माइनस वन, देखिए ये जी एच हो गया टी, यहाँ टी में से टी माइनस वन घटा दिए जी एच आ गया, तो जी एच गुणे ई डी, ई डी कहाँ है ये ई डी, ये है ई डी का मान निकाले हैं ये ई डी की जगह ए गुणे टी माइनस वन, ए गुणे टी माइनस वन ये ई डी का मान हो गया। नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, इसके आगे आप देखिए तीसरा वाला टर्म ये प्लस जी एच कहाँ है ये जी एच मतलब टी माइनस वन ये जी एच हो गया अगुड़े ओ ए कहाँ है ये ओ ए की जगह यू, आप याद कीजिए ये प्रारंभिक वेग यू है तो ए की जगह यू हो गए। अब यही हल कर लिया जाए तो ये बराबर आपको मिलेगा, देखिए टी और माइनस टी कट जाएगा यहाँ प्लस वन आएगा तो एक बटे दो गुड़े एक, देखिए माइनस टी प्लस टी कट गया माइनस आया प्लस वन आ गया तो एक गुड़े ए धन, यहाँ भी वही वन आ गया वन इंटू ए इंटू टी माइनस वन। अब यहाँ देखिए प्लस
टी माइनस टी कट गया, वन आ गया, वन में गुणा एक का हुआ था यू, ये हो गया एक बटे दो ए धन ए गुणे टी माइनस वन धन यू। अब ये आ गया देखिए यू प्लस एक बटे दो ए कामन ले लें। अब यहाँ कामन लिए पूरा का पूरा कामन हो गया तो वन बच गया। यहाँ देखिए a बाई टू कामन लेना है तो दो का भाग देना है तो दो का गुणा भी करेंगे तो दो का गुणा किए तो t माइनस वन बच गया। देखिए यहाँ पर a बाई टू कामन लेना है तो दो का भाग देंगे दो का गुणा करना पड़ेगा टू इंटू टी माइनस वन बच जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए हल किए पूरा का पूरा तो आ गया u प्लस हाफ ए। अब ब्रैकेट में देखिए ये टू का गुणा टी में हुआ टू टी और ये माइनस टू प्लस वन हो गया माइनस वन। आप याद कीजिए विशेष समय में चली गई दूरी का ये सूत्र आप निकाले होंगे एस टी इक्वल यू प्लस हाफ है टू टी माइनस वन। ठीक, तो इस ढंग से हमने गति के तीन समीकरण और विशेष समय में चली गई दूरी के लिए व्यंजक या ग्राफ विद से ज्ञात कर पाए। अब आइए हम कैलकुलस मेथड से इसे बताते हैं। कैलकुलस मेथड से गति के पहले समीकरण को हम निकालते हैं। चूंकि हम जानते हैं त्वरण को परिभाषा से, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ए इक्वल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ से आपको मिलेगा ये डी टी नीचे है यहाँ करेंगे ऊपर आ गया तो ये हो गया डी वी इक्वल ए डी टी। अब इनका हम समाकलन कर दें जब समय शून्य था तो प्रारंभिक वेग u था और जब समय t हो गया तो वेग बढ़ करके v हो गया तो u टू v डी वी इक्वल जीरो टू t ए डी टी। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए इसको ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे dv है। ठीक, dv का मतलब हुआ एक dv, एक लिखा नहीं रहता और इसको हम लिखेंगे v की घात जीरो, जो वेरिएबल रहे उसी की घात हम जीरो लिखते हैं एक की जगह। किसी की भी घात अगर जीरो है उसका मान एक होता है, याद रखिए कि जीरो की घात जीरो ये परिभाषित नहीं तो वी जीरो नहीं हो सकता और चाहे जो भी रहे उसका मान फिर एक होगा। फिर ध्यान दें और यक्स पावर एन का समाकलन हमने आपको बताया था, क्या करेंगे एक घात को जोड़ देते हैं इसी नई घात से भाग दे देते हैं ये हो गया। इसको हल किए तो v की घात वन अपान वन आ गया और v की घात वन अपान वन, v की घात वन माने v आ गया, अपान वन का कोई अस्तित्व नहीं है। अब मान लीजिए कि अगर लिमिट भी रखी है, लिमिट के लिए देखिए लोअर लिमिट v अपर लिमिट ही, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v, u और ये v, u ये v, u ये भी। आप देखिए लिमिट के लिए इसको हम डिफिनिट इंटीग्रल कहे थे, याद कीजिए वहाँ हमने डिफिनिट इंटीग्रल आपको बताया था। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं तो वी से वी की जगह वी रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखते हैं वी की जगह यू रखेंगे और दोनों रखने के बाद बीच में माइनस कर देंगे तो इस ढंग से इसका हल होगा।
तो आइए ठीक, तो यहाँ इसका क्या बताया हमने, dv का समाकलन हो गया अभी। तो जब भी इस टाइप का रहेगा तो हम एक मानकर चलेंगे, एक उसको लिखेंगे जो वेरिएबल है उसकी घात जीरो। तो आप जाने रहिए, जैसे dv है तो इसका समाकलन v हो जाएगा, dt है इसका समाकलन t हो जाएगा, जो भी रहेगा वेरिएबल वही समाकलन होगा। क्लियर, बार बार हम इसको आपको नहीं बताएंगे, ये आप जान लीजिए कि रफ है आपका। ये हो गया dv का समाकलन v हो गया, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लिए, और dt का समाकलन t हो गया, जीरो टू t आ गया। देखिए पहले अपर लिमिट लिए v माइनस लोअर लिमिट लिए u, यहाँ a पहले अपर लिमिट लिए t माइनस लोअर लिमिट लिए जीरो, यहाँ से v माइनस यू बराबर हो गया ए टी, माइनस यू उधर चला गया, v इक्वल ए टी प्लस यू। आप याद कीजिए गति का पहला समीकरण v इक्वल यू प्लस ए टी होता है। ठीक, ये देखिए कैलकुलस मेथड से हमने आपको ये बता दिए। आइए दूसरा, चूँकि हम पढ़े हैं वेग v, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे यहाँ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वैसे विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो v इक्वल dA हो गया, अब ये dt नीचे था यहाँ पक्षांतर कर दिए, तो ds इक्वल v dt हो गया। गति के पहले समीकरण से v का मान रख दिए, u प्लस ए टी, कई पद है इसलिए ब्रैकेट लगा दिए, आगे dt, ये डी एस हो गया। ठीक, अब इसका समाकलन कर लिए, तो इंटीग्रल डी एस इक्वल इंटीग्रल यू का गुणा डी टी में हुआ यू डी टी, और प्लस इंटीग्रल ए टी डी टी। आप देखिए जब डी टी माने वेरिएबल डी टी है तो यहाँ समय लेंगे, जब समय शून्य है तो यह चली गई दूरी भी शून्य है, और जब समय बढ़कर t हो गया तो चली गई दूरी बढ़कर s हो गई। तो यहाँ 0 टू s कर दिए, 0 टू t, इसी वेरिएबल के अनुसार हम लिमिट लिखते हैं। अब आइए ds का, अभी थोड़ी देर पहले आपने बता दिया किसका समाकलन s होगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। ऐसे ही देखिए u तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, इंटीग्रल 0 टू t dt हुआ, प्लस यहाँ a कांस्टेंट है बाहर हो गया, इंटीग्रल जीरो टू टी टी डी टी। आप कहेंगे कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, यही वेरिएबल जो है यही फंक्शन है, डी टी है माने अगर समय का फंक्शन है तब तो फंक्शन है, अगर समय नहीं है तो फिर सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। ठीक, तो इसलिए हम u को कांस्टेंट मान लिए, त्वरण a को कांस्टेंट मान लिए। यही बराबर देखिए, पहले अपर लिमिट रखेंगे यस, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, यहाँ देखिए u, dt का समाकलन t हो गया, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट t। ये t का एक घात हम बढ़ाएंगे, t की घात नहीं लिखी है, एक है, एक और बढ़ा दिए दो हो गया, इसी नई घात से भाग दे देंगे, t स्क्वायर अपॉन टू हो गया इसका समाकलन, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट t हो गया। इसको हल किए, s में से जीरो घटाई s आ गया, u पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपॉन टू को बाहर किए कांस्टेंट था, पहले अपर लिमिट रख दिए, माइनस टी की जगह जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, यही एस बराबर आ गया यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर को जीरो घटाए टी स्क्वायर। आप याद कीजिए यही गति का दूसरा समीकरण था आपका, ये गति का पहला समीकरण था और ये गति का दूसरा समीकरण था। ठीक, आइए तीसरे समीकरण की चर्चा करें, फिर से हम इसी त्वरण को लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया। इसको हम सेट करें, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आप याद कीजिए अभी दूसरे में, यह
डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम को हम वेलोसिटी वी कहे हैं, यही बराबर हो गया वी डी वी बटी, ये इसको वी कह दिए, डेरिवेटिव ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यस ये आ गया। और ये डी एस नीचे है, इधर कर दिए ऊपर आ गया, तो ए डी एस इक्वल वी डी वी। ठीक, अब इसका ये समाकलन कर लें, ये तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, समाकलन डी एस, ऐसे ही ये समाकलन हो गया वी डी वी। ठीक, यहाँ देखिए, अब जब प्रारंभिक वेग u था तो दूरी शून्य थी, और जब प्रारंभिक वेग बढ़कर v हो गया तो दूरी बढ़कर s हो गई, ऐसे लिमिट हमने लिख लिया। ए आप जानते हैं ds का समाकलन s हो गया, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट s। ठीक, फिर देखिए जैसे v की घात एक है, लिखी नहीं है, समाकलन में एक घात बढ़ जाती है तो एक और एक मिलकर दो हो गया। ठीक, और बटे इसी नई घात से भाग देते हैं, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v हो गया। इस ढंग से इसको हल किया गया, तो पहले हम अपर लिमिट रख दिए माइनस लोअर लिमिट जीरो, यहाँ एक बटे दो बाहर कर दिए, पहले अपर लिमिट रख दिए माइनस लोअर लिमिट रख दिए यू स्क्वायर। ठीक, ये आ गया, ये हो गया ए एस, एस से जीरो घटा एस, एक बटे दो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप याद कीजिए दो का इधर कर दिए गुणा हो गया, तो आई से एस इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से आपने क्या किया यू स्क्वायर को इधर लाए, ये हो गया ट्वाइस ए एस, यहाँ लिख दे रहे हैं भाई ट्वाइस ए एस न, ये माइनस यू स्क्वायर इधर आया प्लस यू स्क्वायर हो गया इक्वल वी स्क्वायर, या क्रम से लिख दिए वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इस ढंग से देखिए कैलकुलस मेथड से, कैलकुलस मेथड से आपको हमने गति के तीनों समीकरण बताए। ठीक, अब आइए एक और टर्म पढ़ लेते हैं, उसको कहते हैं सापेक्षिक वेग या आपेक्षिक वेग, जो भी आप कह लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग या सापेक्षिक वेग जो भी कहें आप, रिलेटिव वेलोसिटी, उदाहरण जरा आप लीजिए, आप खड़े हैं रेलवे स्टेशन पर, मान लीजिए एक रेलगाड़ी पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, दूसरी रेलगाड़ी उसी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक, आप कहाँ खड़े हैं, जमीन पर, धरती पर, जमीन के सापेक्ष पहली रेलगाड़ी की चाल v1 बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ईस्ट टू वेस्ट, दूसरी रेलगाड़ी की चाल v2 पृथ्वी के सापेक्ष 12 मीटर प्रति सेकंड, ये भी है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, तो आप मान लीजिए कि आप ऑब्जर्वर हैं, तो आपको ये दिखाई देगा कि पहली गाड़ी 10 की चाल से जा रही है, दूसरी गाड़ी 12 की चाल से जा रही है, क्लियर है कि नहीं। पहली गाड़ी को अगर ए कह दें तो वेलासिटी ऑफ वी ए, दूसरी गाड़ी को बी कह दें तो वेलासिटी ऑफ वी बी हो गई, क्लियर है। तो इस ढंग से आप जमीन के रिस्पेक्ट में ये बता रहे हैं, जमीन के सापेक्ष ये सब गतियाँ बता रहे हैं। अच्छा चलिए, अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए कि हम ही हैं ऑब्जर्वर, अब हम गाड़ी पहली वाली गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी ए में बैठे हैं। ठीक, हम गाड़ी ए में बैठे हैं, हम देखिए ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, दूसरी गाड़ी वी वी है,
ये देखिए ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, इसकी चाल ज़्यादा है, जाहिर सी बात है हमको पार करेगी, क्रॉस करेगी। तो हम अगर ये जानना चाहें कि इस दूसरी गाड़ी की चाल इस पहली के सापेक्ष क्या होगा, माने वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, माने ए के सापेक्ष बी की चाल। बोलो भाई क्लियर हो, ए के सापेक्ष बी की चाल। तो बी की चाल चाहिए तो बी वाले में से ए की चाल है ये घटा दी, आप ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, अंतर लेना है, ये हो गया 12-10 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। आप ध्यान दीजिए कि चलती हुई गाड़ी में दोनों बैठे हैं, ठीक, चलती हुई गाड़ी में दोनों बैठे माने कि हैं, गाड़ी दोनों चल रही हैं, तो गाड़ी ए में कोई व्यक्ति बैठा है वही ऑब्जर्वर है, तो उसको ये प्रतीत होगा कि अच्छा बी वाली दूसरी वाली गाड़ी जो है 2 की चाल से पश्चिम की ओर जा रही है, उसे 12 की चाल नज़र नहीं आएगी, केवल ये 2 की चाल नज़र आएगी, ठीक। इसी प्रकार मान लीजिए कि अगर बी को देखें, बी देखे, कोई व्यक्ति बी पर बैठा है तो वह ए को देखे तो कैसे देखेगा, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, माने बी पर बैठे दर्शक को, ऑब्जर्वर को, ठीक, जो देख रहा है उसे ए की चाल कैसे प्रतीत होगी, तो देखिए वी ए बी इक्वल वी ए माइनस वी बी, वी ए 10 ऋण वी बी 12, तो आ गया ऋण 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि बी वाले को ए की चाल -2 मीटर पर सेकंड, माने 2 मीटर पर सेकंड की चाल वो भी देखेगा, लेकिन माइनस, माइनस का मतलब दिशा विपरीत, भैया ये तो जा रही है इधर पश्चिम की ओर, ये जैसे जानेगा कि ये वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। जैसे आप ही अंदाजिए कि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं, स्टेशन है, पेड़ पौधे हैं, ये सब पीछे की ओर भागते नज़र आते हैं, वास्तव में भागते तो हैं नहीं, वैसे वो गाड़ी भी पश्चिम की ओर जा रही थी, पूरब से पश्चिम की ओर, लेकिन इसको क्या नज़र आएगा, उल्टी दिशा में जा रही, क्या सहमत हैं। इसी को बंधु हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इन दोनों में आप देखिए वी वी ए और वी ए बी, तो वी बी ए माने वेलोसिटी ऑफ वी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल वी ए बी विथ, देखिए निगेटिव साइन, ठीक, ये आपने सिद्ध किया कि इसे हम सापेक्षिक चाल कहते हैं, आपेक्षिक चाल कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। मान लीजिए कि दोनों गाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, तब एक दूसरे को क्या नज़र आएगा, 12 उसका और 10 उसका, माने 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हुई नज़र आएंगी, अगर विपरीत चल रही है तो, ठीक, विपरीत। तो वी ए बी इक्वल 10+12, ठीक, दैट इज 22 मीटर पर सेकंड, 22 मीटर पर सेकंड के चाल से चलती नज़र आएंगी, अगर ये एक दूसरे के विपरीत बड़ी तेज़ी से चलती नज़र आएंगी, ठीक। फिर आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए दोनों की चाल 10 मीटर पर सेकंड समान है और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तब वो एक दूसरे को स्थिर प्रतीत होंगी, वो एक दूसरे को उनकी चाल शून्य नज़र आएगी, सही है कि नहीं। अगर दोनों की चाल समान है तो 10-10 दैट इज 0, यह दोनों गाड़ियां 10 के वेग से समान वेग से एक ही दिशा में जा रही हैं, तो एक दूसरे को आपेक्षिक वेग क्या नज़र आएगा, शून्य, अर्थात वो स्थिर प्रतीत करेंगे। चलिए यही सब था इस चैप्टर में, धन्यवाद।